हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में अम्लक्षार और लवण के बारे में बच्चों पढ़ लिया और इस लेक्चर में आपका हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु क्या होता है। बच्चों, तो धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, हम अपने आसपास धातु को भी देखते हैं बच्चों और अधातु को भी देखते हैं। अब क्वेश्चन उठता है हमारे सामने कि कौन सी चीज़ें हमारे धातु हैं, कौन से पदार्थ हमारे अधातु हैं। तो ठीक है बच्चों, आप थोड़ा सा गौर कीजिए अपने आसपास या गौर कीजिए जो आपके घर में दरवाजे लगे हुए हैं। अगर आपके घर के जो आपके दरवाजे लगे हुए हैं, अगर आपके लोहे के हैं, तो लोहा क्या है बच्चों, एक धातु है। लोहा क्या है, एक धातु है। आपकी मम्मी, आपकी दीदी या आपके कोई भाई जो सोना पहनते होंगे, AU RM, वो जो पहनते हैं सोना बच्चों, वो भी क्या है आपका, एक धातु है। और आपकी मम्मा, जो आपकी दीदी जो पायल पहनती है बच्चों, वो भी क्या है बच्चों, आपका एक धातु है। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको। अब आते हैं अधातु का। अब अधातु कहाँ पर है, तो बच्चों यदि हम बात करें अधातु की, तो बच्चों क्या आपने पेंसिल को देखा है, पेंसिल में एक राड पड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट की छड़ कहते हैं बच्चों। वह कार्बन का एक अपर रूप है, वो भी आपका क्या बच्चों, एक अधातु है। आपने कार्बन देखा है बच्चों, कार्बन क्या आपका एक अधातु है। आपने ऑक्सीजन को जानते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन भी क्या है आपका, एक अधातु है। तो क्वेश्चन उठता है, हम कैसे जानेंगे कि ये हमारे धातु है और ये हमारे अधातु हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बच्चों इस लेक्चर में कि धातु क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं बच्चों धातु के बारे में। धातु को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल। अब क्वेश्चन उठता है मेटल क्या है, तो एक लॉजिकली टर्म याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो कहने का मतलब धातु ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोष में एक कमा दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं अब फिर बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे क्या होंगे। तो बच्चों आपको पता होगा Na बड़ा फेमस तत्व है, अक्सर लोग कहते हैं Na क्या बनाता है, एक फेमस कंपाउंड है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम खाने में उपयोग करते हैं, साधारण नमक। अब Na को हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम है। इसका क्या नाम है बच्चों, सोडियम नाम है। अब क्वेश्चन उठता है आपका ये सोडियम और लिख रहे हैं आपका Na, तो Na हम क्यों लिखते हैं बच्चों, इसका जो लैटिन नाम है बच्चों, जो इसका लैटिन नाम है वो क्या आपका, नेट्रियम है बच्चों। उसका लैटिन नाम क्या होता है, चलो नेट्रियम पड़ा। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में के और ए ले रहा बच्चों यम, तो पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या होगा बच्चों, 1 होगा। क्या इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन दिखा बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन दिखा, तो इसे हम क्या कहें बच्चों, धातु कहेंगे। तो यदि बात करें, ये आपका सोडियम का रहा। यदि बच्चों सेकेंड एग्जांपल आपका मैग्नीशियम को ले लें, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों, तो के कोष में कितने जाएंगे, 2, और एल में कितने जाएंगे, 8, और एम में कितने जाएंगे बच्चों, 2। क्या इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा आपको, और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आपका धातु कहेंगे। क्या कहेंगे आपका, धातु कहेंगे बच्चों।
इसके बाद हमको कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम क्या कहें बच्चों, धातु कहेंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, इसमें क्या धातु है और क्या अधातु होगा। यदि हम और एग्जांपल की बात करें बच्चों, जैसे हमने ले लिया आपका कैल्शियम, कैल्शियम होता है बच्चों 20, और इसका आप करेंगे तो क्या आएगा 8 2 10, 8 2 10 रहा बच्चों, और आपका 8 कितने हो गए, 18 हो गया और 2। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, तो ये भी क्या बच्चों आपका धातु है। तो ऐसे तत्व जिनके बाद हम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आए, उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 2 8 और 3, तो के एल और एम, तो इस प्रकार से आया। और इसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखा आपको 3, तो बच्चों ये क्या होगा आपका धातु होगा। तो ऐसे तत्व जिनके बाद हम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो बच्चों, उन्हें हम क्या कह देते हैं आपका धातु कह देते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई, और इतनी बातें क्लियर हुई तो आप तुरंत लाइक होके। अब आते हैं आपका अगले पॉइंट पे, धातुओं के फिजिकल गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों, उसका अब यहाँ पर अध्ययन है। तो ठीक है बच्चों, अब आपके स्टार्ट करते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो बच्चों इसके लिए आप 4 याद रखिएगा। पहला, धात्विक चमक बच्चों, धात्विक चमक, इसे बच्चों आप याद रखिएगा धात्विक चमक। और दूसरा क्या बच्चों, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, इसका डिस्कशन करेंगे बच्चों। और अगला क्या बच्चों आपका, तन्यता, इसका डिस्कशन करेंगे बच्चों। और इसके बाद जो है चालकता बच्चों, चालकता का डिस्कशन करेंगे बच्चों। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं, लेकिन हम आपके 4 प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले धात्विक चमक क्या होती है। अच्छा बच्चों, जब आप मार्केट जाते हैं और वहाँ से आप सोना कभी खरीदे होंगे, कभी अपने मम्मी के साथ या अपने पापा के साथ गए होंगे, तो वहाँ पर जब सोना खरीद के लाते हैं बच्चों, क्या सोने में एक विशेष प्रकार की चमक आपको दिखाई पड़ती है, क्या सोना में आपको एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई पड़ती है बच्चों। वही जो विशेष प्रकार की चमक है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, धात्विक चमक कहते हैं। जैसे जैसे आपने कभी गए होंगे और चांदी खरीदे होंगे, तो चांदी में भी एक विशेष प्रकार की चमक होती है बच्चों। आपने लोहा खरीदा होगा उसमें भी एक विशेष प्रकार की चमक होती है। स्टार्टिंग में सब आपके क्या होते हैं, चमकते हैं, और जब वो कभी, जैसे कि आपकी चांदी होगी तो वो काली पड़ जाती है, सोना होगा तो उसका अगर आपका लोहा होगा तो उसका क्या होगा, संक्षारण होगा। तो बच्चों जब ये प्रक्रियाएँ होने लगती हैं, फिर अगर इन प्रक्रियाओं को हम दूर कर दें तो हम क्या पाते हैं, आपका धातु फिर से आपकी चमकने लगती है। तो कहने का मतलब धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, धात्विक चमक कहते हैं। तो पहली हेडिंग की व्याख्या हम करते हैं धात्विक चमक की, धात्विक चमक। धातुओं में, धातुओं में एक विशेष प्रकार की, धातुओं में एक विशेष प्रकार की, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक
कहते हैं। तो बच्चों इसे याद रखिएगा, धात्विक चमक क्या होती है। जो आपके धातु होंगे उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका धात्विक चमक कहते हैं। अब आते हैं आपका अगली पॉइंट पे, अघात वर्धनीयता क्या होता है। अघात वर्धनीयता, आपने कभी लोहार को देखा होगा, लोहार के पास जब आप कभी अपनी कुल्हाड़ी ले जाते हैं पिटवाने के लिए, अघात वर्धनीयता करने के लिए, तो वो क्या करता है, आपकी कुल्हाड़ी को आपका जो लोहे का सामान उसे गर्म करता है और फिर वो किसी हथौड़े से उसे क्या करता है बच्चों, पीटता है। और जब उसे वो पीटता है तो गर्म करने के बाद वो क्या होती है, आपका लोहा फैलता है ना बच्चों। अब लोहा फैलता है उसे ही हम, उसी घटना को हम अघात वर्धनीयता कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला, कहने का मतलब निकला, धातु को पीटने पर वह चादरों के रूप में फैल जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अघात वर्धनीयता कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपके सामने आया, अघात वर्धनीयता। अब अघात वर्धनीयता होता क्या, इसे बच्चों आप याद रखिएगा, धातुओं को पीटने पर धातुओं को पीटने पर वह चादरों के रूप में फैल जाती हैं, वह चादरों के रूप में फैल जाती हैं, जिसे या जिस घटना को अघात वर्धनीयता कहते हैं, अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या इतनी बातें आई समझ बच्चों, धात्विक चमक क्या है और अघात वर्धनीयता क्या है। अब अगला आता है तन्यता का गुण बच्चों। तो तन्यता का गुण क्या है बच्चों, आपने देखा होगा जो आपकी फैन होती है उसकी जो कॉयल होती है बच्चों, उस कॉयल में पतले पतले तार पाए जाते हैं कि नहीं। अब वो तार कैसे बनाए जाते होंगे और किसके कारण होते हैं बच्चों, तो वो होता है आपका तन्यता के गुण के कारण। जो धातुएं होती है बच्चों, धातुओं को हम तारों के रूप में खींच सकते हैं, तारों के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो धातुओं को खींच कर तारों के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है बच्चों, तन्यता का गुण कहलाता है। तो अगली बात करें हम तन्यता, तो अगली बात करें बच्चों, तो आपका क्या होगा, तन्यता। धातुओं को खींच कर तारों के रूप में परिवर्तित करना तन्यता का गुण कहलाता है बच्चों, तन्यता कहलाता है। धातुओं को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तन्यता का गुण कहलाता है। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आई। अब अगली पॉइंट लेते हैं बच्चों, जो आपकी क्या है, चालकता है। तो चालकता क्या होती है बच्चों, आपकी जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आपकी इलेक्ट्रिसिटी और आपकी हीट एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो क्या है चालकता, धातुओं में
धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण धातुएं विद्युत तथा उष्मा की चालक होती हैं, क्योंकि यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत और उष्मा को एक जगह से दूसरे जगह तक बच्चों पहुंचाते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? और कुछ प्रॉपर्टी हो सकते हैं जैसे ध्वनि, तो धातुओं में ध्वनि का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना बहुत ही आसानी से बच्चों होता है, लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये चार पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे, तो चारों पॉइंट्स हमने यहाँ बच्चों 60 में बता दिया है आपका। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब आपका डिस्कशन करेंगे अगली हेडिंग जो आपकी होगी धातुओं के गुणधर्म के बारे में, मतलब रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा चाहते हैं, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और कोई यदि क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर डाल दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।